Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसोग्रांड वार्ड नंबर 4 में 5 सितंबर 2021 को घर की दीवार गिरने से लड़की जख्मी हुई थी और उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। जैसे ही इस हादसे की खबर एमएलए शरदू सालगर को मिली, आज एमएलए शरदू सालगर ने उस लड़की के घर पहुँच कर जायजा लिया। हॉस्पिटल में इधर कोई नहीं है, बोला इधर कोई भी नहीं है सर, वो हॉस्पिटल को ले जा रहे, वहीं पे है सर। ये हालत है कि कुछ गरीब लोग और लड़की के माँ से मुलाकात की और 11,000 रुपए दिए। कहा कि इसे घर की दीवार ठीक करवा ले, जब तक घर का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक नारायणपुर रोड पर बनाए गए सरकार की ओर से गंजे केंद्र में रहे और लड़की का ट्रीटमेंट में पूरा करवाऊंगा, इस तरह से उम्मीद दिलाई। उसके लिए भी कुछ हेल्प करता हूँ तुम्हारा। बेटा है, बेटी है? बेटी है सर। हॉस्पिटल के लिए उनको भी कुछ मैं करता हूँ, मेरी तरफ से, ठीक है? 11,000 रुपए है, ये तगड़ा गिगड़ा लेके रिपेयर कर लो। उसके लिए तुम्हारा बेटी के लिए कुछ मैं पर्सनल हेल्प करता हूँ, दवा खाने के खर्चे के लिए उसको भी मैं आके करता हूँ, ये रख लो। ARK गिरी सिल्क एंड सारी, इडन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, बसव कल्याण। महाजनता को मैं आपके सेवक शरणु सलगर गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभाशय। और आज मैंने बसव कल्याण के बस स्टैंड के सामने जो मैंने एक एरिया को गया था, उधर जो एक दो दिन से पहले एक जो पुराना घर गिरा था, वो गिरने के बाद वो घर की जो वो मेरी बेटी मेरी बहन उसका पाँव भी टूट गए, ये दो मैसेज मेरे को मिला। इसीलिए मैंने उधर जाके जो जितना मेरे हाथ से होता उसको हेल्प करके मैं ये विनंती करता हूँ बसव कल्याण जो मेरे सभी लोगों को, जो तुम्हारा ये बारिश की वजह से ये जो साल हेवी रेनिंग है, इसलिए आप जिसको डाउट है जो मेरा घर बारिश की वजह से गिर सकता है, वो जो तुरंत मैं विनंती करता हूँ हाथ जोड़ के, उस जैसे पुराना घर से आपको और आपको कुटुंब की जान की धोखा हो सकता जान को, इसलिए आप तुरंत जो मेरी सरकार ने आपको गंजी केंद्र खोला है बहुत अच्छे तरीके से, उधर आप शिफ्ट होके जो आपके पुराना घर को रिपेयर कर सकते हैं। और जो सरकार के मैं भी कोशिश करता हूँ, आज कल जो मेरा होने वाला कल अधिवेशन शुरू हो रहा है, बिल्कुल मैंने विनंती करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मैं एक शासक हूँ, मेरी सरकार है, मैं विनंती करता हूँ जितने भी पुराना घर गिर रहे उसके लिए कुछ ना कुछ हम हेल्प करें, उसके लिए हम मदद करें, बिल्कुल मैं आप जो विनती करता हूँ आशा करें मेरे से ऊपर, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए पूरे जो बसव कल्याण लोगों को मैं विनती करता हूँ, जिसको आप घर गिर सकते हैं बोल के डर है, वो तुरंत दो दिन के अंदर आप गंजी केंद्र को शिफ्ट होना, ये मेरा विनती है। और मेरा नगर सभा कमिश्नर को भी मैं बोलता हूँ, जितने ऐसा पुराना घर है वो सर्वे करे, उसको जल्द से जल्द गंजी केंद्र को शिफ्ट करे, उसका जान बचाए। गंजी केंद्र में क्या क्या सुविधा मिलेगी सर? जो गंजी केंद्र में उसको सुबह नाश्ता मिलेगा, दो बार का खाना मिलेगा, जब तक उनका घर रिपेयर करे, जो बिल्कुल उनको रहने के लिए घर नहीं है, ये हेवी रेनिंग से वो जिसका घर डिस्टर्बेंस हो गए, बिल्कुल जो घर से भी उधर अच्छे आराम से रह सकते हैं वो लोग। सरकार की ओर से जो है G+3 का जो है स्कीम आया था, वो अभी तक का लागू क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल G+3 का कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम से रुके हुए हैं, मैं बिल्कुल अब तक मैं आपके सामने और मीडिया के सामने ये पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बात करने में फ़ायदा नहीं है, अगर हम मैं काम करते गए तो वही वो बोल सकते हैं मेरा काम। बिल्कुल मैं एक महीने के अंदर G+3 का बिल्कुल मैं वो पूजा करने वाला हूँ, उसका काम भी शुरू होने वाला है, बिल्कुल उसका मैं प्लान भी लेके मैं कल जा रहा हूँ। हमारे UD के सेक्रेटरी अजय नागभूषण साहब से मैं बिल्कुल विनंती कर रहा हूँ, उसका थोड़ा बहुत बिल्कुल 5-10% टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो 8 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, एक महीने के अंदर
पूजा हो जाएगा। सर 2018 में वार्ड नंबर 6 में छत गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी। हाँ, जब से सर्वे चल रहा है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट से कुछ उसका ये नहीं हुआ। जो शायद आई थिंक डिप्टी कमिश्नर को ऐसे जो पुराना घर है जिधर वो घर जो गिरता है उसके लिए कुछ सुविधा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को कुछ पावर, विशेष पावर दिया गया है, इसलिए मैं सर्वे कराने लगाता हूँ। आज ही मैं डीसी साहब को बात करता हूँ, क्योंकि जिस दिन का करके खाने वाले लोगों को उनका घर ऑटोमेटिक गिरे तो वो बहुत लोग परेशान में हो जाएंगे। उसके लिए सरकार से कुछ सुविधा करने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर को भी विनंती करता हूँ और हमारा वसती सचिव वी सोमण्णा साहब से भी मैं बात करता हूँ आज।